बताऊंगा, तू बता। मैं क्यों बताऊंगा, यो बताऊंगा। पता नहीं मेरा, तू बता दे। मैं क्यों बताऊं, तू बता। तू बता, तू बता, तू बता। पहले तू बता, पहले तू बता, पहले तू बता भाई। मैं क्यों बताऊं। राम राम जी सारा ने, एक और नए व्लॉग में तर सारा को स्वागत है। उम्मीद है तुम सारे एकदम फिट एंड फाइन हो गए। तो सारा उठ गए सिवाय उन दो छोरियाँ के, जन में देख छोटलती छोरी ने कल स्पेशल डिमांड करी थी कि नानी मेरी माँ ने कही थी कि गर्मियाँ गर्मियाँ में कूलर नीचे रही हो, कूलर बंद ना करिए, लेटते सोऊंगी मैं। तो छोरी की डिमांड पर कूलर लेट ही चल रहा है, बने बोल रहे हैं 7:10 और ज़्यादा लेटते हैं जगह टाबर सोऊंगा ने तो फिर उनकी आदत बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो उनने उनके टेम पे उठाओ, सवेरे सवेरे ठंड हो है थोड़ा मोटा हांड फिर लेंगा, फिर गर्मी हो जाए फिर उल्टे कूलर नीचे जानो है। तो मेरी माँ तो नाटी थी पर मैं कूलर बंद करके उन्हें उठाऊंगा। ये मेरी माँ जा रही है मेमोसी और अगर कानी जिदे, आज मैं एक लोग वो लोग शुरू करने लग रहे हो। मेमोसी और अगर का न्यूज आ रही है वे खोरा फोड़ ना, एक मशीन आ रही है जैसे खोरा फोड़ के आ रहे हो। मैं फर्श के ऊपर छिदाऊंगा और उनके ऊपर टाइल लगाऊंगा, पहले सीधो सिंपल फर्श तो मैं तो वो रहे आ रही टाइल लगाऊंगा उनके ऊपर सारे घर में। तो वे खोरा खोरा फोड़ फाड़ के न बिछा रखे हैं। तो वह देखने गई है और देखने गई थी न्यू वाली का 5 मिनट में आ रहे हैं मैं, 5 मिनट की 20 मिनट होगी और 20 मिनट की आधो घंटा होगा जितने चाय चू पी के नर फिर आओगी, क्योंकि टाइल देखने तो एक बानो है जितने 5-6 जनिया की इन्हें तीन ने बात था कि न्यू ना कर देने लगाइया नहीं इतने चैन को नहीं। कोई बीमार शिमार हो जा, कोई किमी हो जा तो क्या फलानो बीमार हो रही है, चलो मिल के आऊँगा। मिलने तो जाएंगे ऊँ तो बात कौन करेंगे, ऊँ तो बात करेंगे सिर्फ 2 मिनट भाई तू ठीक सके और दवाई पानी लग गई के कि नहीं दर्द तो ना है, फिर तमने बेरो है कौन सी बात चलेंगी, फलानी वाह न्यू फलाने का न्यू कर दियो, फलाने दिखड़ा न्यू कर दियो। तो ये तो लोग यहीं देखो चाल दिया आया करें, ये मैं करूँ कूलर बंद उन छोरियाँ उठाऊँ, मैन मुद्दो यू है। तो जी बच्चे गए हैं उठ दोनों के दोनों कूलर बंद करने के बाद, चल मनु उठ जाए, अजय चाय मंडी बेटा, अजय शाबाश, अजय बार राम राम और राजी खुशी न्यू सगाई राम राम दिखा न्यू ना करे कर न्यू राम राम जी सारा ने। हां राम राम जी बोल दे। हां राम राम जी सारा ने स्माइल कहा दे ए राम राम जी सारा ने देखिए सल्टाउन हो गया उसकी एक बैटरी लो हो रही है। हां ये बोल राम राम जी सारा ने कैसे हो सब ठीक ठाक मैंने वो कैसे हो सब लोग ठीक ठाक राम राम यो जी बिहार आए है ठीक है, अपनी हरियाणवी तो है देखो काट समझ में आवे है ठीक है। तो एक ये इस तरह समझ में कैसा है बढ़िया है बढ़िया कैसन बा बढ़िया बढ़िया बा ठीक है। गोबल डाल दिया हो दोनों रिश्ता कराऊंगा बिहार में गोबल डाल दिया हो हाँ फावड़ा मार दिया हो हाँ अब क्या करने वाले हो अब सोएंगे कर देगा आज तो इन बच्चों को नहलाओ हाँ प्यार करो और इनको खिलाओ खिलाओ नहीं अब सोएंगे सोने कौन देगा। तो मैं माँ गई है आ मैं मोसियर कंते में के बात करी वहाँ भाई उड़ का पाठा पुठा फोड़े से देख के आई जो फरसा पर काट रखे हो सारो सौदो देखा एक मिनट लग गया है देखण में अब बाकी की बात करी है वे तमने बेरो है बताने की जरूरत कौन। तो भाई मैं तो ना लियो हूँ ना नानू के नरी मैं तमने लेके जाऊंगा मैं ताऊर ग्राम जनक ग्राम में तमने पहली मशीन दिखाई थी एक खोरा फुटने वाली मशीन ई बे खोरा जमाने वाली मशीन आ रही है फर्श में तो वह और दिखाऊँ तमने चलो चलो आई बे मेरे ताऊर ग्राम। तो यह है वह मशीन जैसे खोरा जमाया जावे है, यह मशीन को किराए है एक दिन को 600 रुपया, अगर एक मजदूर लेके आवा तो वो पूरे दिन में फर्श का ये खोरा जमा कौन सा कर रहा देखो तमी कितनी सुविधा चल रही है एक नंबर का खोरा जमान लग रही है मशीन। और यो है बैक गेयर गाल दी यार पिछली साइड में चलने लग जाएगी वो उल्टी। और यो है इसको आगे वगैरह मतलब यो ये वागन कर दियो आड़ने कर दियो तो ये चलेगी आगे पास है नाम बोल दिया बेटा न्यू कह रहे छोरो कर गयो वो भैयो कर गयो न्यू कर दी मन में काम खाना खाना आएगा हैं होटल में खाना खाना
राड में माँ रोटी पोन लग रही है। दौरे बैठे को भतीजो राजस्थानी रेसिपी देखे है ब्लॉग। मैं रोटी पोंदी देखे करूँ भाई, भी थोड़ी रोटी खांगी। इतनी बार मैंने फोन मिला है वो मैं देख लियो। यो आड़ दर रखियो फोन ठाठिए के दौरे ये चल दे रहे हो। अरे और सती ठाठियो की ज्यादा ही रही पुरानी चीज पावे मारे ठाठियो पावे को नहीं ठाठियो कहीं का ठाठियो देवर यो कागजा को मेट को कूट की मनाएड़ो हो है। अरे ये बुला ला रहे सलाद। ये दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक बड़ा सिक्योरिटी गार्ड एक छोटा सिक्योरिटी गार्ड। चप्पे चप्पे ही खबर रखे ये छोटी मोटी सलाद ना कट जा सही में की सलाद खबरी है। ये छपरी होता हूं ना छपरी भी खबरी खबरी। बता ये तो मां बात बता मैं सुन सुनी की को दुआड़े बैठे दो देखिए सारी सारी बात सुनिए। जिक्र कर चालू करियो जिक्र रा के चालू करियो पहली तू बता पहली तू बता भाई मैं क्यों बताऊ रोटी गुण खानी भाई है थोड़ी तरीब शुरू होगी है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी कई देर होगी आंधी चलती आनी बांधी थमी है मौसम थोड़ा साफ हो रहा है और ईब करी है बूंद बस थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी है और टेम हो रहा है 5:37 यानी कि 5:40 हो रहे हैं शाम को टेम है मौसम तम देख सको हो। तो भाई टेम हो रहे हैं 6 बज रहे हैं। इनमें मावन मांजन ला रही है बर्तन और खास बात आज की है वह बताओगे तो हमने बरमीत राम राम जी छारा ने तो आनी आज बेरो बारिश का मौसम धो तो राकेश मामी बोलियो कि आनी मैगी बना लिया तो मैगी कम पड़ गई तो आनी उसके साथ विद पास्ता मैगी विद पास्ता बना लग रहे हैं और ये पर बना लग रहे प्रिंस साहब मैं पहली बार खाऊंगी। जो भी है पास्ता ये पास्ता ये पास्ता और आड़ा बन लग रही है मैगी वो न्यूका एक लड़ना है जब 2 मिनट में मैगी तैयार तो वह 2 मिनट में जमा भी करने वाले फद्दू बनाओ फद्दू बना जमा टेकर का पसंदो पसंदो आज देख लो ताब ताबरा खातर में कितनी मेहनत करना है देखो अच्छी आवे यार और है ना अब मैगी के बाद शाम को नानी बना देगी खीर तो हम शाम को खीर खा लेंगे हमारे आज मजे के मजे हैं कड़क तो मैगी तो भी खाए रखी क्यों मैगी कौन खाऊं भाई मैं खाऊंगी आज खीर चूरमा बंदर सार दिन यो काम चल रहा भाई बेटी बेटी हो ये सा का दूध का ये बर्तन मान दूंगी इतना उनकी मैगी बनने लग रही है मैं मान दूंगी मैगी विद पास्ता बहुत ही टेस्टी लग रहा है दिखने में तो खाने के बाद बताएंगे कि कैसा है घटिया है या स्वादिष्ट है या फिर ठीक ठाक है। तो यह बन गया भाई मैगी इब देख लियो तुम पहले तो मैगी देख लियो ये बनाई है मिस्टर प्रिंस ने ठीक है और सारी बातें ही बाद में बढ़िया थोड़ी बाट देखने लगी जड़ को ब्लॉग खत्म हो गया तो मैं खाना शुरू करो अड़ा तो खा लिया कैमरा अड़ा छोटी छोटी चीज़ कहाँ है तो कैमरे में दिखाओ है मैगी स्वाद लगा है कि मनो कौन बता बता दे बेटा बता दे बेटा मैगी स्वाद लगेगी रिव्यू बताओ रिव्यू दो आपकी चीज़ ने तो सारा बढ़िया बताऊंगा ना भाई माँ बता भाई मैं सारी चीज़ स्वाद ना बनाऊँ तो बनाऊ ने मने ने ब्याह भी उपकरण की जरूरत को नहीं कर चक्राम होता है सब जाना गजब गजब बनी है भाई साहब मैं बनाऊंगी भाई आज खीर खीर तो मैं भी रखा था ये साबूदाना
और चावल सेती मिला के ठीक है। अन्ना आधी घंटा हो गयो भाई, मैं दूध काट लिया ईवन में गेर की दूध है और छोटी हरी का मैं दूंगी ठीक है। फिर बनाऊंगा मैं वीडियो ठीक है। आज हमें वीडियो कौन बना रखी दो दिन की शॉर्ट वीडियो ठीक है। तो यह खीर बन जाएगी तो टावरा ही मेरे न्यू दिक्कत को नहीं आवे। एक बार खान लग रहा है भूखा को नहीं, इतना खीर तैयार है। इधर माँ बेटा आराम से सोच की शॉर्ट वीडियो बना लेंगा। इतनी टेस्टी बनी है मैं बता दूँ उसको। और है नी मतलब प्रदीप मामन के मैं बनाना को नहीं आवे वीडियो के अलावा। यह बात तो सारी के जरूरी थी। हाँ जरूरी क्यों बनी फ्रेंड मैगी खा लो और जिन्हें अभी मैगी पसंद है वो अपने घर पे बना के खाइयो। यो किस बात बरसात आने हो रही थी भाई, मैं मेरी आ रही ढक दी थी इवन उगाड़ दियो चाय के ऊपर खीर बनाया करता। हाँ खीर दलियो कोई दाल कुछ भी हो कुछ भी थोड़ी चीज बनावा है। हाँ ऐसे रेंदर नाली चीज तू सारिया के ऊपर टिका करे। और एक का बहुत कमेंट आ हमा आरी बनानी सिखाओ आरी बनानी सिखाओ आरी बनानी सिखाओ। अच्छा हां ये आजकल भाई गोबर थापूं कोनी क्यों चौमासे में कोई थापे कोनी शहर के अंत कोनी बेरो को गामा के अंत बेरो से कुरड़ी पर बगाया हूं तो ये सूख जा तो इस तरह कट्टा बन जाऊं। अरे इस तरह हरी का मैं या हरी न्यू बना रखी से देखती न्यू गुड़े ने तो खिंडे कोनी कानू वाला लग जी इन लग जा छोटी हरी पसंद से तो भाई मैं बना के दिखा दूंगी। नहीं मैं एक बना रखी थी जरूर दिखाऊंगी। तो भाई तीन घंटा आंधी चालने के बाद में आंधी थमी है। ये सारे घर का दूसर ना होगा क्योंकि सारा घर का भर गया पूरी तरह रेत का। किमी भी टाबर खेलने था रेत उछाड़े था उछल उछल के उड़ उड़ के सारा घर में पड़ गई हुई है। मान्य हाथ को नहीं बोतल बात करें था भाई उनने मुश्किल तय दबाया है करते हैं। तो ये सारा नहावगा फिर कोई रोटी राटी आओ करेगी आज मेरी माँ तो चलो खीर खार बना ली सही रही। और बाकी टाइम हो रही है 7:30 जम्मा माटी का भर रहे हैं भाई ऊपर तो लेकिन नीचे थे आँख उखर जम्मा पूरी तरह नहानो पड़ेगा। तो यह बना ली भाई खीर और यो से सूरमू एम से सब्जी और आ जाओ खा लो खीर चूरमू। और नहीं भाई लाग रही है भूख यो देख लो भाई देसी घी को ठीक है। यो रो घी ये री रोटी ये वे खावांगा भाई तम भी आ जाओ और खा लो या खीर भाई सही गेर रखी से। तो बात न्यू है भाई साहब प्रदीप सिंधु व्लॉग चैनल पे जो भी पिछले व्लॉग या उससे पिछले व्लॉग में जो भी कमेंट आए हैं भैया जी उनका रिप्लाई करने वाले हैं। गिल्डी वीडियो पर जो कमेंट आया था उनका रिप्लाई कराऊंगा भाई वे गिनती की 7-8 कमेंट है। हाँ। बाकी कमेंट तो ये है नाइस व्लॉग सुपर व्लॉग गुड व्लॉग बहुत अच्छी फैमिली तो ये तो बस तारो प्यार है अनको तो के जवाब दिया भाई लगभग पढ़ा सारी क्रिया करूँ लाइक भी कराया करूँ। बाकी जो पूछने वाला सवाल सा है जवाब देने वाला सा वे ये भी पढ़ा उनका जवाब देगा ठीक है। तो पहला कमेंट है राहुल यास यादव को आंटी जी आप वजन कम करने के लिए कौन सी चॉकलेट खाते हो प्लीज जरूर रिप्लाई देना। तो भाई रिप्लाई देने तो पहले उनको रिजल्ट बता दूँ मैं तभी कपिल शर्मा शो देखे होगा तो तमें एक चीज़ देखी होगी उनको रिजल्ट है यो बताने की जरूरत को नहीं कोई फायदे को नहीं लेने को। कारण यो है कि वो चॉकलेट खाओगे नहीं तो न्यू कही जाए कि एक टाइम की रोटी छोड़नी पड़ेगी तो चॉकलेट खाने की कोई जरूरत को नहीं एक टाइम की रोटी छोड़ दे वजन तेरा उस तरह कम हो जाएगा भाई। और मैं तो यह सलाह दूं था हम दोनों टाइम की रोटी छोड़ दे कम धरती को वजन कम हो जाएगा सीरियस ले लिया बात में। अगला कमेंट्स है सतबीर सैम बारवाड़
प्रिंस का बर्थडे कब है बताइयो कल वाला व्लॉग में प्लीज 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 भाई। बहुत कमेंट आ लिया है, बहुत ज्यादा कमेंट आ लिया है। कल वाली एक वीडियो थी जब योग दापली बनने थोरम गिफ्ट मांगे थोम तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। दापली बनने तो गिफ्ट मांगो तो हां तू गिफ्ट कौन मांगे थो नीचे खड़े नीचे को गिफ्ट दियो तो मैं दापली के तो बनने थो मतलब तू जित दापली की भी एक्टिंग करे थो व्लॉग में भाई न्यू दापली है दापली का ब्याह हो रही वो गिफ्ट का मेरा बर्थडे बहुत दूर है भाई गेला गए है 3 अप्रैल अप्रैल ने है को बर्थडे तो ये तो गयो को ये बाबू मेरो तो हमने किम देनो न तो दे दियो जुलाई 28 जुलाई 28 जुलाई पार्टी तैयार रखें ठीक है 28 जुलाई आओगे भाई एक एक कर मांगे से शर्म करिया आओ तो मान रहे मांगा कौन है प्यार है मांगा कौन भाई अगली कमेंट है बिक्कू हाइलाइट्स गेमर मैं हिसार में पढ़ती हूं मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है कहीं भी मैं सिर्फ YouTube जानती हूँ और जैसे कि अब मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ तो पिछली एक साल से मैंने कोई मूवी या सॉन्ग नहीं सुना है बट मैं रोज़ आपके व्लॉग देखती हूँ क्योंकि मैं मेरे घर से बहुत दूर पढ़ने आई हुई हूँ तो मुझे घर की याद आती है और मैं हरियाणा से ही हूँ तो इस वजह से मैं आपके व्लॉग देखती हूँ आपकी मम्मी को देखकर मुझे मेरी मम्मी की याद आती है। इतनी बड़ी कमेंट करी है इतनी लगन ते मारा लोग देखा है भाई तो है बात खातर है भाई धन्य बेटी धन्यवाद है बहुत बहुत मेरे नाम को बहुत धन्यवाद है दिल की गहराइयों से प्यार के छींटों से धन्यवाद। और मेरी बेटी ने नौकरी मिले हाँ नौकरी मिले भाई अच्छा कमेंट मैंने बताइए तो क्या की तैयारी करे नीट की अच्छा नीट की तैयारी करे कड़े ही हो सुतिया बड़े नीट की तैयारी कर रहा है भाई कोई बात नहीं बढ़िया कर मैं छोरो मिले थे ना यार बढ़िया नौकरी लग गया बड़े मारो ब्लॉग देख दी रही थी छोरो तैयार है और अगला कमेंट है पूनम सिसाई 94 हेयर ड्रायर अच्छा नहीं आपके लिए सर लड़कियां की तो फिर भी मजबूरी हो जाती है ओजा कड़े कड़े की बाल सूखने पड़ जाते खे कोनी कपड़े गिल्ले हो जा सर्दियाँ में जमा दिक्कत और लेकिन आपके तो जल्दी सूख भी जाते हैं क्योंकि आपके बाल बहुत छोटे होते हैं आपके फलाना दिगड़ा 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 फलाना तो भाई हाँ पढ़ने को नहीं आयो पढ़ने की बात यह मैं कमेंट पढ़ लियो या हेयर ड्रायर के बारे में कह भाई हेयर ड्रायर ठीक को नहीं छोटे बाल खातर है बड़ा बाल होने उन खातर हेयर ड्रायर हो गया गर्मियों में चार भरे नुकड़ चार भरे एक और नाकी करूं बस न्यू का है या न्यू का है क्या हेयर ड्रायर करने से बाल झट जाए एक टाइम के बाद में तो यह बात भाई तेरे किसी हद तक सही है क्योंकि मेरा है ना साइड में अगर सफेद बाल होने लग गया इसी वजह से हेयर ड्रायर की वजह से उसको कारण ही हो मैं हेयर ड्रायर क्यों मारू हूँ थोड़ी सी ठंड हो जाने तो नारियल को तेल यूज कर रहा हूँ मैं बचपन से क्योंकि मेरे सिर में खोर हो रहा है नारियल का तेल तो कंट्रोल रहूँगा तो अगर मैं वो हेयर ड्रायर ना मारूँ ना तो बाल चिपा दे वो तेल और हेयर ड्रायर मार लूँ ना तो बाल हमेशा खुला खुला रहे तो उस चक्कर में मैंने करना पड़े हेयर ड्रायर सफेद बाल होगा तो जहाँ मेरे कोई इलाज कर सीधी सी बात है 5-4 साल उड़ेगा नहीं होगा बाद में चेकिमी उठ जाओ और की अगला सवाल है निधि कुमारी FL1GR आपकी सिस्टर को नहीं आया करे के भाई जी कदे तो बुला लिया करो उस प्रियंका ने भी देख लिया कदे तवा के बोलेगी वा भी तारे वर्गी मजा किया है के भाई सिस्टर है आवेगी सिस्टर है आओगी ना माँ अरे वाह मारे वर्गी मजा किया है भाई मम सारा एक सा हाँ मेरे बाबू ने छोड़ की फिर बाबा लोग में आनी मुश्किल से क्यों भाई वा ब्याह राखी से अगला के मेरो केज कह दी अगला तो बे नतर के कह दी आपा ला गई बात ल्यावांगा भाई छोटा कोनी जरूर लेंगे हां अगला ही गोंचाले है थोड़ी मारी है तो भाई वा इसी आया करे 5-6 दिन खातर ठीक सब हाँ। है कि काम कुमुन बहुत ज्यादा है भाई वो बहुत खिंच के काम भाई एक ही रहेगी घर में काम करने वाली उनकी सासू बीमार है तो बा घाटा आवे तो उन चक्कर में बस 2-3 दिन आया करे साल में ठीक है अगला सवाल है रणप्रीत मदाद 7325 आपकी परात किस धातु की है प्लीज बताना जरूर बताना बहुत सारा कमेंट आया है भाई आज की वीरुण ने परात करते दिखगी कि रोज ही दिखा रहा मट्टी की उसने रवा तो बता मां कहीं की है वाह मट्टी की है बेटी मारे उरे कुंहार से कुंहारा मिले है तो मैं कदे ते ही मेरे सासु पोंदी फिर मैं भी हूं मैं पोंदी हां तो वाह मट्टी की है भाई मट्टी की सोम चून बहुत बढ़िया गुंदे जा न्यू तो दूध निकड़े रे न्यू अच्छा अगली कमेंट है अंकित मान 8964 प्रदीप भाई ताई के पास कितनी भैंस है और दूध की भैंस कितनी है ताई जवाब देगी 2 भैंस तो एक ही टल रही सर एक देश है एक भिन्न में ब्यावगी फिर 2 हो जाएंगी तो 2 भैंस
रोज दिखावा या तम तो हाँ। यार मेरे ख्याल में अंकित यार तो डेली व्लॉग देखा है तेरे ऊपर निशान आ रही है तू डेली व्लॉग देखा है क्यों करे यो निशान हो डेली व्लॉग दिखनी हो मेरे तो यो 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 निशान हो कमेंट करनी है को कमेंट करनी हो गर्मी लगन लगी ने तू मेरे क्यों करनी आयो सब मां तू कभी कमेंट पटा कोन तू पढ़ी पटा करो रे अच्छा आगलो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और नाम तो है वो कोनी कोई नाम कोनी यूजर आई के 2456 न्यू लिख रखे है दा भाई दापली का मतलब क्या है पहली तो बताओ दापली को मतलब प्रिंस दापली को मतलब न्यू है भाई जो आपके घर तक भी दापली और दुनिया तक भी दापली वो है दापली तो भाई मतलब यो है साफ साफ है कि जब हर कोई दापली हो चारू गंत है वह है दापली हाँ ठीक है ये बता दियो तो हमने दापली की डेफिनेशन बस इतना ऐसा है कि कमेंट है ये मैंने आदमी पसंद को नहीं यार बेरो के कमेंट करेगा मैं आपके डेली व्लॉग देखता हूँ आप मेरा नाम नहीं लेते व्लॉग में मैं आपसे नफरत करता हूँ मैं कभी भी कमेंट नहीं करूँगा आगे से भाई यार यूँ बता अगर सारा व्लॉग में मामी फलाना हो दीपक कुमार संदीप कुमार मोहित कुमार सोनिका जी फलानी जी दिखड़ी जी अगर पूरा व्लॉग में 10 मिनट तक यूँ करता रहूँगा फिर तम देख लियो आगे 1 मिनट तक ज़्यादा कौन देखो यार तमी न्यू नाम को ले जाएगा रे तमी जिस तरह कोई सवाल पूछे कोई जवाब पूछे तो उनको नाम ले भी ले ये भी यार ये थोड़ी ना मतलब भाई मैं तेरा डेली व्लॉग देखूं तू मेरा नाम ले भाई बहुत बढ़िया लागियो 700 बेटा बहुत अच्छो बेटा बेटी से कोई 700-800 कमेंट आओ है यार अगर 700-800 जना सारा का सारा या जिद पकड़ ले के ता हमारा नाम लियो व्लॉग में जिदे मैं तारो व्लॉग देखूं नहीं मैं तारो व्लॉग को देखूं तो यार ये बात ठीक थोड़ी ना यार तुम खुद भी तो सोचो ना देखो नहीं कमेंट को नहीं आवे ये आवे 7-8 टाबर लगभग तो ये टाबर ही पाऊंगा मेरे थावी ने मेरो मेरी मां को चैनल है मदर एंड प्रिंस ऊपर जाई कमेंट करियो किमी भी कमेंट कर दियो मैं नाम लेके बताऊंगा अब भाई पटे यो पटे को नहीं कम तक मैं पट के एक एक चीज तानो जवाब तो देने ला रहे हो हमारे यहां पर आपको हर चीज का जवाब मिलेगा कड़े है यो अगड़ गयो इन वेटिंग दी हां तो बात न्यू है आज से मैं कमेंट पढ़ना शुरू कर दिया है ये फटाफट जाओ उस चैनल पे और कमेंट कर दियो गदागद कमेंट कर दियो उड़ावे सवेरे तक सारा रिप्लाई कर दियो हां सवेरे तक सारा छोप को नहीं मैं भाई ने सोचा जानी ये है ना ए वाले पर तो उठ के आ रही पर तेरे का ना जाएगा ना फिर इन्होंने गोली वाली देखने उड़े रख ली हूं मैं भाई आप है ना एक एक गोली को दियो पक्की बात है चॉकलेट चॉकलेट मिलेगी चॉकलेट मिलेगी भाई चॉकलेट को तो भाई बात यह है वो लोग ने घड़ो लंबो कौन कराए लंबो जगनो तो फिर किरकिरो हो जाओ तो ए लोग ना पा करा एंड अगर तुमने वो लोग पसंद आयो तो एन कर दियो लाइक करो तो कहने की जरूरत को नहीं तुम्हें वीडियो देखो वो लोग बाद में वो सबसे पहले लाइक करा रो मन बेरो तुम्हें और सब्सक्राइब कर दियो जना सब्सक्राइब नहीं करियो बाकी तो जो डेली देखो ना तो करे रखियो है तो बाकी की मी कोई सही और कमेंट में बता दियो भाई तीन तीन बोलिया तू कौन बोलियो मैं बोल गयो कमेंट में बता दियो भाई तू बोल कौन बोलिए मैं क्या बोलूं बस इतना बहुत है तू कौन बोली बेटा राम राम कर रही है राम राम कर दे राम राम कर दे ठीक है बोली बस यही बोली हंस के दिखाओ या बस रोओगे जितने बढ़िया लगे एंड दुआ में कर दे टेव लागो ना भाई हंस के दिखा हंस के तो भाई एम लोग में इतनो है तुम ही अपनो और अपने परिवार को रखियो ध्यान मिलेगा एक और व्लॉग कसे थी इतने हमारी तरफ से सारा ने राम राम।